Hello, Incredibles. So, welcome to the Science Foundation batch. And this batch is being prepared under the guidance of me, that is Abhishek Kumar. I have cleared CABF AC 2021-2022, CDS with 150 plus marks and FCAT with 200 plus marks and both CDS and FCAT multiple times. ठीक है? So, आप सभी का स्वागत है Science Foundation batch में. और ये पूरी बैच मेरे गाइडेंस के अंदर प्रिपेयर हुई है. मेरा नाम अभिषेक कुमार है. आई हैव क्लियर्ड CAPF AC 2021-2022 CDS विथ 150 प्लस मार्क्स, FCAT विथ 200 प्लस मार्क्स और दोनों ही एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर. हेलो एंड जय हिंद, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल इनक्रेडिबल अभिषेक. आई एम योर एजुकेटर सागर तिवारी. हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजी का एनसीईआरटी में पहला चैप्टर कर चुके हैं साइटोलॉजी. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी. ठीक है, हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? हिस्टोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ टिश्यू. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी जो कि होता है स्टडी ऑफ सेल. आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी जो कि होता है स्टडी ऑफ. ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में. इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ब्लड के बारे में. ब्लड तो ब्लड भी एक टिश्यू है, राइट? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. तो हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ पे आज देखने वाले हैं. थोड़ा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टिश्यू के बारे में. ठीक है, टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो टिश्यू होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ सेल विच आर सेम इन ऑरिजिन एंड फंक्शन. ध्यान रखिए, ग्रुप ऑफ सेल मोस्टली आपको ये बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ सेल आर नॉन एज ग्रुप ऑफ सेल आर नॉन एज टिश्यू. बट इसमें दो फैक्टर ध्यान रखिएगा. जो ग्रुप ऑफ सेल है उनका ऑरिजिन सेम होना चाहिए, उनका फंक्शन सेम होना चाहिए, तब उनको टिश्यू कहेंगे हम लोग. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ऑरिजिन भी सेम है और इसका फंक्शन भी सेम है तो हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे. और ये मेनली फोर तरह के पार्ट में डिवाइड होता है. पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. ठीक है, ध्यान रखिएगा, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, चार तरह का आपका मेन जो है टिश्यू ब्रॉडली क्लासिफाइड. एक करके उठाते हैं, समझते हैं. ठीक है, पहले हम लोग क्या बात करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली होता है प्रोटेक्शन देना. ठीक है, काम होता है प्रोटेक्शन देना. ये हम लोग के आंतरिक मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी को क्या करता है? कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना. ये हमारे स्किन को, यह कहाँ मिल जाएगा? स्किन में मिलेगा, माउथ में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, किडनी में. ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा एल्वियोली में, एल्वियोली. ठीक है, इन सब जगह आपको ये मिल जाएगा एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, लोकेशन ध्यान रखना है, फंक्शन ध्यान रखना है. चलते हैं आगे. दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम क्या होना चाहिए. इसका काम है कनेक्ट करने का. ठीक है, इट इज दैट टिश्यू विच कनेक्ट्स, सपोर्ट्स, बाइंड्स और सेपरेट ऑर्गेन्स. ठीक है, इसका मेन फंक्शन ध्यान रखिए कनेक्शन. ठीक है, इसका मेन फंक्शन कनेक्शन. अब ये भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है. कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. एग्जांपल की बात करें तो अरेलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, टेंडन टिश्यू, लिगामेंट. इसके अलावा आपका आता है कार्टिलेज, बोन, ब्लड, लिम्फ. ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है. ठीक है, सबको देखते हैं. सबसे पहला है एरियोलर टिश्यू. ठीक है, ध्यान रखिए आपकी ये प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है. ठीक है, एरियोलर टिश्यू के बारे में बात किया जाए तो एरियोलर टिश्यू जो है इट कनेक्ट स्किन टू मसल. ये स्किन को मसल से जोड़ता है. ठीक है, ध्यान रखिए, एरियोलर टिश्यू जो है इट कनेक्ट स्किन टू मसल, स्किन टू मसल को कनेक्ट करता है. एडिपोस टिश्यू के बारे में बात करें तो इट स्टोर्स फैट. ठीक है, इट स्टोर्स फैट. ध्यान रखिएगा, एडिपोस टिश्यू जो है ये फैट स्टोर करता है. ओके, तो डिफरेंस याद रखिएगा. एरियोलर टिश्यू जो है ये स्किन से मसल को जोड़ता है. एडिपोस टिश्यू जो है इट स्टोर्स फैट. टेंडन टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो टेंडन जो है इट कनेक्ट मसल टू बोन. ठीक है, टेंडन के बारे में याद रखिएगा, इट कनेक्ट मसल टू बोन. ऐसे याद रखिए एम टी बी. मसल टू बोन को जोड़ता है, मसल टू बोन को. टेंडन जो है मसल से बोन को जोड़ता है. लिगामेंट के बारे में बात रखिएगा तो लिगामेंट जो है ये बोन टू बोन को जोड़ता है. लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, ये बोन को बोन से जोड़ता है. अगर आपको लिगामेंट का एग्जांपल दिखाएं,
तो जहां पर दो बोन खत्म होता है, सपोज आपका ये एक बोन है और ये एक बोन है, ठीक है, इसके अलावा ये एक बोन है, ठीक है, ऑलराइट, ये बोन है, इन दोनों बोन को इस तरह से कनेक्ट कर देता है, इन दोनों बोन्स को इस तरह से जोड़ कर रखता है, ठीक है, इन दोनों बोन को इस तरह से पकड़ रखता है लिगामेंट टिश्यू, ठीक है, और इसी लिगामेंट में अगर प्रॉब्लम आ गया तो स्ट्रेन हो आता है, स्ट्रेन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्टिलेज। कार्टिलेज टिश्यू जो है वो आपको मिलेगा नोज टिप पर, ये आपको मिलेगा नोज के टिप पर, ठीक है, ईयर पिन्ना पर, लैरिंग्स पर, ठीक है, और लॉन्ग बोन्स के एंड पर, ये सब जो आपको मिलता है कार्टिलेज। अगला है आपका बोन, बोन बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अलावा ब्लड, ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू, आप सुना होगा ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, इसके बाद बात करते हैं लिम्फ के बारे में। तो ये एक ओवाइटिस फ्लूड है जो कि ब्लड से ऑप्टेन किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा ब्लड प्लाज्मा, WBC, बट इसमें RBC नहीं मिलता, ठीक है, इसमें RBC नहीं मिलता, क्लियर है। तो ये सारे के सारे जो है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिपोज टिश्यू के बारे में बात जान लीजिए। एडिपोज टिश्यू है, इसके बारे में बात जान लीजिए। एडिपोज टिश्यू इज मोर्न इन न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, इनमें एडिपोज टिश्यू का मात्रा जो है ज्यादा होता है, स्पेशली फीमेल में एज कंपेयर टू मेल, ठीक है, जो फीमेल न्यू बॉर्न बेबी है उनमें एडिपोज टिश्यू का मात्रा जो है, एडिपोज टिश्यू का मात्रा जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मेल, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड भी एक टाइप ऑफ टिश्यू है, इट्स अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, एंड ब्लड के बारे में जान लीजिए कि ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, स्लाइटली बेसिक इन नेचर। अगर आप पीएच स्केल के बारे में जानते हो तो कुछ इस टाइप से होता है पीएच स्केल, 1 से लेकर 7 तक एसिड होता है, फिर 7 से लेकर 14 तक जो है बेस होता है, ठीक है। तो जो आपका ब्लड है उसका पीएच वैल्यू है 7.4, 7.4 मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक, ठीक है, ब्लड जो है वो क्या है, स्लाइटली बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है। और एक ह्यूमन बॉडी में ऑन एन एवरेज 5 से 6 लीटर आपको ब्लड मिल जाता है, मतलब आपके बॉडी वेट का 7% जो है वो क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। जैसा कि आपको बताया कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है एंड ये फ्लूड है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है, बॉडी के बाहर अगर ब्लड ब्लड निकलता है तो देखो एक क्लॉट हो जाएगा, हाँ, कहीं अगर चोट लगता है तो उस चोट के ऊपर एक रेड रेड पैच आ जाता है, कहीं अगर कट लगता है तो उस कट के ऊपर जो है रेड पैच चला आता है, क्योंकि तो जमा हुआ खून होता है, राइट, बट वही खून हमारे बॉडी के अंदर जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता, क्यों, बिकॉज ऑफ हेपरिन, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता बिकॉज ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या है, हेपरिन जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, हेपरिन एक तरह का प्रोटीन है, इट ऑल्सो एक्ट लाइक्स अ एंटी कोगुलेटिंग एजेंट, मतलब हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता, हमारे बॉडी में खून को जमने नहीं देता। फिर चलिए, अगर हेपरिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो आपको आर्टिफिशियल एंटी कोगुलेटिंग एजेंट लेना पड़ता है, जैसे सोडियम ऑक्सलेट हो गया, पोटासियम ऑक्सलेट हो गया, EDTA हो गया, इसके अलावा आपका सोडियम साइट्रेट हो गया, पोटासियम साइट्रेट हो गया, ये सब आपको आर्टिफिशियल कोगुलेटिंग एजेंट लेना पड़ता है अगर प्रॉपरली हेपरिन वर्क नहीं कर रहा है तो, ठीक है। अगर ब्लड के फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो इसका मेनली 3 फंक्शन है। पहला, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ब्लड जो है वो डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट, एक बार जब जब प्रीवियस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दिया हुआ था तो यहाँ पे स्मॉल के बदले लार्ज लिखा हुआ था, स्मॉल के बदले लार्ज लिखा हुआ था, तो इस केस में आपका जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज लार्ज नहीं होगा स्मॉल होगा, राइट, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फ्रॉम फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, और तीसरा, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ बॉडी। ये तीनों बात ध्यान रखिए ब्लड के बारे में। ब्लड
ब्लड के फंक्शन के बारे में ध्यान रखिएगा। तीन फंक्शन है, पहला स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में ये डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, ऑक्सीजन को कैरी करता है कहाँ से, लंग्स से डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी तक, डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी तक, ठीक है, पहला। दूसरा तीसरा ध्यान रखिएगा, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर द रिमूवल ऑफ बॉडी, ये वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए करने में सहयोग करता है, ठीक है। तो तीन पार्ट ध्यान रखिएगा ब्लड का, तीन फंक्शन ध्यान रखिएगा ब्लड का। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब ब्लड में होता क्या क्या है। देखिए ब्लड में जो होता है उसको मेनली हम दो पार्ट में पहले डिवाइड किए हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का मात्रा होता है 55% ब्लड के अंदर, और ब्लड सेल्स का मात्रा होता है 45%। बहुत क्लियरली ध्यान रखिए कि ब्लड के अंदर 55% जो है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी के 45% जो है वो होता है आपका ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ध्यान रखिए प्लाज्मा जो है वो ब्लड ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और प्लाज्मा के अंदर जो 55% प्लाज्मा है, जो 55% प्लाज्मा है, इस 55% प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर है आपका, 7% प्रोटीन है, 1% ग्लूकोज है, और बहुत कम परसेंट जो है यूरिया हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिए 1% में ग्लूकोज यूरिया हॉर्मोन से सब आता है, ठीक है ना। 55% आपका प्लाज्मा होता है जिसमें 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, और 1% ग्लूकोज यूरिया एंड हॉर्मोन्स होते हैं। बाकी ब्लड सेल्स के बारे में बात करें तो 45% ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें आपके आपको मिल जाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्लाज्मा के बारे में बता दिया आपको कि लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एक एक करके उठाते हैं और समझते हैं चीजों को। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में अगर बात करें तो बहुत बार यहाँ से पहले भी क्वेश्चन किए गए हैं। तो आरबीसी के बारे में बात किया जाए तो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। कहाँ फॉर्म होता है, तो बोन मैरो में फॉर्म होता है, ध्यान रखिए बोन मैरो में फॉर्म होता है। अब सवाल यह था कि फीटस के अंदर तो बोन मैरो होता नहीं है ना, फीटस जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, है ना, तो फीटस के अंदर तो बोन मैरो होता नहीं है, राइट। तो उसके अंदर फीटस मतलब बेसिकली देखिए जो वोम्ब में जब बच्चा होता है ना, तो उसको स्टार्टिंग में जब वो जब तो उसका स्टार्टिंग फेज होता है, ठीक है, जो कोख में बच्चा होता है उसका स्टार्टिंग फेज जो होता है उसको बोलते हैं फीटस, राइट। तो उस समय उसका बोन मैरो जो है वो रेडी नहीं हुआ होता है, जब बोन मैरो रेडी नहीं हुआ होता है तो आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, तो उस समय आरबीसी फॉर्म होता है लीवर में और स्प्लीन में, ध्यान रखिए। हमारे अंदर तो आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो फीटस है उसके अंदर आरबीसी फॉर्म हो रहा है लीवर में एंड स्प्लीन में, लीवर में एंड स्प्लीन में। एंड लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का, 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी जो है वो डेड कहाँ होता है, डेड एंड डिस्ट्रॉय होता है लीवर में और स्प्लीन में, ध्यान रखिए हम लोग के अंदर, ठीक है। मतलब जब बोन मैरो फॉर्म हो जाता है उसके बाद तो आरबीसी बोन मैरो से निकलता है, फॉर्म होता है, राइट। एंड डेड क्या होता है, डिस्ट्रॉय क्या होता है, लीवर में एंड स्प्लीन में, लीवर में एंड स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन, स्प्लीन को इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को ऑल्सो स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, बिकॉज यहाँ पे आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन कुछ नहीं, हेमोग्लोबिन बेसिकली इट्स इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है, हेमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, अगर बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है, अनेमिया, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा अनेमिया, हेमोग्लोबिन के डिफिशेंसी से होता है आपको अनेमिया, ऑलराइट। तो पांचवे पॉइंट ध्यान रखिए, पहला आरबीसी का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। दूसरा बात कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में। तीसरा बात फीटस में कहाँ फॉर्म होता है, तो लीवर में और स्प्लीन में। लाइफ स्पैन क्या है, तो 120 डेज। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, लीवर में और स्प्लीन में। आरबीसी या ग्रेवेट इसको बोलते हैं हम लोग, तो स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी में क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है,
हेमोग्लोबिन क्या है बेसिकली, इट्स एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट और प्रोटीन, ऑलराइट। इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसके कमी से होता है अनीमिया, अनीमिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन मैच्योर आरबीसी, एक मैच्योर आरबीसी में एक मैच्योर आरबीसी के न्यूक्लियस में आपको मिलेगा सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स, सॉरी एक मिनट बेटा बोल दिए, एक मैच्योर आरबीसी के न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। वहां पे आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट। तो मैच्योर आरबीसी का जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम कुछ उल्टा बोल दिए थे, ध्यान रखिए, मैच्योर आरबीसी के न्यूक्लियस में आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, मैच्योर आरबीसी के न्यूक्लियस में आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, इसके शेप के बारे में बात करते हैं, तो बायोकनकेव शेप होता है आरबीसी का, जो है बायोकनकेव शेप होता है एक्सेप्ट कैमल, ठीक है, एक्सेप्ट कैमल। कैमल के अंदर देखोगे तो कैमल के अंदर डिस्क शेप होता है, कैमल एक और जानवर है, लेमर, लेमर, ठीक है। तो कैमल और लेमर के बारे में बात करते हैं, तो कैमल और लेमर का जो आरबीसी होता है उसका शेप जो होता है वो होता है डिस्क शेप, लेकिन बाकी सबका शेप क्या होता है, बायोकनकेव, बायोकनकेव, ठीक है। स्प्लीन के बारे में बात किए थे हम लोग, स्प्लीन जो है इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। स्प्लीन जो है इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं, बेसिकली इट स्टोर ब्लड फॉर इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी के लिए ये ब्लड को स्टोर करके रखता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। चलिए तो पांच छह बात जानने की, पहला बात आरबीसी का एक और नाम एथ्रोसाइट्स, दूसरा बोन मैरो होता है, फीटस के अंदर ये लिवर एंड स्प्लीन में पाया जाता है, लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ पे होगा, लिवर में और स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के अंदर आपको मिलता है हेमोग्लोबिन, जिसकी कमी से होता है अनीमिया, ठीक। इसके अलावा जो मैच्योर आरबीसी है उसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते हैं। आरबीसी के शेप के बारे में बात किया जाए तो बायोकनकेव शेप होता है, लेकिन कैमल एंड लिवर में डिस्क शेप का होता है। स्प्लीन के बारे में बात किया जाए तो ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी होता है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी होता है, बिकॉज इमरजेंसी के लिए ये खून को रखता है, रिजर्व रखता है, ठीक है। और आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का रेशियो देखा जाए तो 600:1, 600:1 ये रेशियो है आरबीसी का एंड डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी आपका है लीकोसाइट्स, लीकोसाइट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी है लीकोसाइट्स। ध्यान रखिए आरबीसी का रंग लाल क्यों है, में हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है, ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है, इसीलिए इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ठीक है। ये भी कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में, ध्यान रखिए आरबीसी भी बोन मैरो में फॉर्म हो रहा था, आरबीसी भी बोन मैरो में फॉर्म हो रहा था और डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, कलरलेस है, ठीक है, ये क्या है, कलरलेस है, बिकॉज इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं है, ठीक है। इसका एवरेज एवरेज लाइफ स्पैन क्या है, 1 से लेकर 4 डेज, 1 to 4 डेज, और आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन क्या था, 120 डेज, ठीक है। देखो कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे जल्दी याद हो जाएगा, आरबीसी क्या था 120 डेज, डब्ल्यूबीसी क्या था 1 to 4 डेज, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज सोल्जर ऑफ बॉडी और इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है, इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, बिकॉज ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ऑलराइट। डब्ल्यूबीसी का जो सबसे लार्जेस्ट होता है, जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, ध्यान रखिएगा, जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, और जो स्मॉलेस्ट उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में कंफ्यूज मत होना आप लोग, डब्ल्यूबीसी का एक और नाम जो है ना, डब्ल्यूबीसी का जो एक और नाम है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ल्यूकोसाइट जो है बेसिकली क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और ये ल्यूकोसाइट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट, मतलब डब्ल्यूबीसी का सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसको, सबसे छोटा जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी जो होता है उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसका शेप और शेप जो है ये टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो दो कैटेगरी है, पहला ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा एग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। अब इन कैटेगरी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रख के चलिए, आप लोग नीट का पेपर नहीं दे रहे हो,
है ना। ध्यान रखिए इन दोनों चीजों आप नहीं पढ़ना है, बस आपको कैटेगरी के बारे में बता दिया, अब इसमें घुसना नहीं आपको, ठीक है। शेप के बारे में बताया जाए तो ये राउंड शेप होता है इसका, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, बट इट कैन बी चेंज्ड। दूसरा बात, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी के पास भी न्यूक्लियस था, ठीक है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं था, ठीक है। यहाँ भी आपको न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। ध्यान रखिए साइज के बारे में, तो ये इट इज लार्जर देन आरबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो है वो आरबीसी से बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक लाइन ध्यान रखिए, एचआईवी जो है ना, एचआईवी जो बीमारी है, इट किल्स, एचआईवी जो वायरस होता है, सॉरी, इट्स अ वायरस किल्स टी हेल्पर सेल ड्यूरिंग द एड्स, राइट। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स का एक और नाम ध्यान रखिए, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तीन चीज पढ़े हम लोग, आरबीसी जिसका एक और नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एक और नाम क्या था, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। इन सारे नाम को ध्यान रखते चलिएगा। इसका भी फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, इसका भी फॉर्मेशन क्या होता है, बोन मैरो में। आरबीसी भी बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी भी फॉर्म करेगा बोन मैरो, एंड प्लेटलेट्स भी फॉर्म करेगा बोन मैरो। आरबीसी का लाइफ स्पैन 1 to 20 days, डब्ल्यूबीसी क्या पढ़े हम लोग, 1 to 4 days, सॉरी आरबीसी का 120 days, डब्ल्यूबीसी का 1 to 4 days, ठीक है, और प्लेटलेट्स का 5 to 8 days, 5 to 8 days, ठीक है। प्लेटलेट्स काउंट के बारे में बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स जो है हमारे बॉडी में ऑन एन एवरेज होते हैं, ठीक है, ओके। अब प्लेटलेट्स फॉर्म कहाँ होता है, हम बता दिए कि प्लेटलेट्स जो है बोन मैरो में फॉर्म होता है। बोन मैरो में कहाँ पे फॉर्म होता है, तो बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसको बोलते हैं मिया कैरियोसाइट्स, मिया कैरियोसाइट्स, यहाँ पे आपका प्लेटलेट्स जो है वो फॉर्म होता है, ऑलराइट। इट रिलीज द वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व कोगुलेशन, कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड और कोगुलेशन, मतलब प्लेटलेट्स का मेनली काम क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन काम आता है, खून को जमाने में काम आता है, ठीक है, रक्त रक्त का थप्पा जमाने में काम आता है। अगर कहीं आपका घुटना छिल गया है ना, या फिर हाथ कहीं छिल गया, तो देखोगे वहां पे ना एक रेड स्टेप का रेड पैच आता है, ठीक है, रेड पैच चला आता है ब्लड का, ठीक है, तो वो बेसिकली प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है, ठीक है। और इस ब्लड क्लॉटिंग में एक मेटल हेल्प करता है, इसका नाम है कैल्शियम, ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में और क्या क्या हेल्प करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट्स, वाइटामिन की, इसके अलावा फाइब्रोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम, ये सब का सब जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। कुछ और बात जान लीजिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप के बारे में जान लीजिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो ब्लड जो ब्लड के जो ग्रुप के जो सब डिविजन है, ठीक है, तो इसको इसको डिस्कवर कौन किया, इसको डिस्कवर करने वाले थे लिंडस्टेन, लिंडस्टेन, ठीक है, ये डिस्कवर किए थे ब्लड ग्रुप्स को, कब, 1900 में, ईयर 1900 में। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो इस पीपीटी में नहीं है, तो आपको हम अलग से बता देते हैं, ठीक है। ऑल्सो जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इट इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, पाइगोमैनोमीटर, इज फाइगो, एक सेकंड स्पेलिंग रॉन्ग है, पाइगो मैनो मीटर, ठीक है, पाइगो मैनोमीटर, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। दैट्स ऑल अबाउट इट, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।